आपने खुद एक पहना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर कलेक्शंस के बारे में? छाया को मैं 25 साल से जानता हूँ, ये मेरी पहली स्टूडेंट थी और तब से लेके आज तक हमारा इतना खूबसूरत रिश्ता रहा है इनके हस्बैंड के साथ, इनके फैमिली के साथ, और आज जब इनका ये स्टोर खुल रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है। शी इज़ अ वंडरफुल डिज़ाइनर, वेरी पैशनेट डिज़ाइनर। काफ़ी लेट शुरुआत की करियर में उन्होंने डिज़ाइनिंग की, पर लेकिन आई थिंक जब जब प्यार होता है अपने काम के प्रति तो वो दिखता है, इस तरह से निखर के बाहर आता है, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। और जब भी मैं छाया के कपड़े पहनता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, एंड जब मेरा कुछ शो होता है, कुछ इवेंट होते हैं, हमेशा मैं इनको बोलता हूँ मुझे मेरे कपड़े बनाएं, और मेरे बनाती हैं, एंड आई ऑलवेज लव एवरी डिज़ाइन ऑफ हर्स। आप किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं छाया जी के साथ? आपने कहा कि स्टूडेंट तो है ही साथ ही, 25 साल हो गए, तो आई थिंक स्टूडेंट से दोस्त का जो सफ़र होता है वो काफ़ी साल पहले तय हो चुका था, और अभी तो मॉडल और डिज़ाइनर का भी म्यूज़ होता है, ऐसे बोलते हैं। तो जब भी बनाती हैं सबसे पहले उनका कलेक्शन जो होता है उसका पहला कपड़ा मेले बनाती हैं, तो आई फील हम्बल्ड एंड प्रिविलेज कि उनको मुझे चूज़ करती हैं हर बार अपना पहला क्रिएशन बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच छाया फॉर ऑल द लव। और जब मुझे मालूम है, जब अपना कोर्स करी थी डिज़ाइनिंग का, तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं पहला कलेक्शन बना रही हूँ और आप उसमें आकर के मेरे वॉक करेंगे। मैंने कहा मैं वॉक भी नहीं, डांस भी करूँगा, और बहुत खुशी होती है हर बार जब कुछ भी क्रिएटिव काम ये करती हैं, बिकॉज बहुत हटके काम है इनका। आपको लगता होगा बहुत सिंपल है, बट सिंपलिसिटी में जो उनकी स्टाइलिशनेस है वो बहुत ही अनोखी बात है छाया के लिए। ऑल्सो मैम आपसे जानना चाहूँगा, संदीप सर ने तो इतनी सारी मेमोरीज शेयर की, कितना इम्पोर्टेंट है कि जो रिश्ते बनाए हैं वो मतलब इस तरह से सपोर्ट करने आए हैं? संदीप इज माई म्यूज, वेन एवर ही इज अराउंड आई स्टार्ट थिंकिंग अच्छा मे बी दिस काइंड ऑफ अ डिज़ाइन विल लुक नाइस ऑन हिम। So for me, a start of any collection starts with me thinking about Sandeep. I can design something out of the box. I don't have to think ki nahi khali pant, shirt, jacket nahi. Usko main ye bhi pehnane wali hoon. Next time when you see him, he is going to be wearing a drop crotch pants from my side. Also summer ke collection hum dekh rahe hain yahan par. Yes. Agar audience ko bataye aapke kya kya hai yahan par summer ke liye special. So summer ke liye hum log ne earthen colors choose kiye hain. We have beautiful cottons and also silks. We have silhouettes like dresses, trousers, different styles of pants and very comfortable tops. So summer ke liye I think ideal collection. Lastly sir kuch kehna chahenge jo aapke fans hai aur मैं यही बोलूँगा कि हमेशा अगर कुछ कपड़े पहनने हो आपको तो ऐसे यूनिक कपड़े पहनिए छाया जैसे बनाती हैं, एंड प्लीज़ कम हियर टू दिस स्टोर एंड देखिए, आई एम श्योर आपको पसंद सब सब कुछ आएगा, और आप शायद यहाँ से एक नहीं दो नहीं काफ़ी कुछ सामान ले जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। के लिए किस तरह के कलेक्शन है, किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं मैम? आई थिंक सबसे पहले जो मैम के कपड़े हमेशा आई फील रियली गुड व्हेन आई वेयर हर क्लोथ्स बिकॉज दे आर सो अर्दी सो वॉर्म, एंड सेकेंडली बॉन्ड इट्स अ वेरी नाइस बॉन्ड। आई ऑलवेज रीच आउट टू हर एंड शी ऑलवेज शी इज़ द ओनली डिज़ाइनर हु कॉल्स मी हर सेल्फ एंड शी इज़ लाइक आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग फॉर यू। So I'm so happy to have such a designer in my life, and it's not just the bond. I mean, she's so inspiring. Not many people know about this. You know, I'm in my 20s, and abhi agar hamara koi purana passion hota hai, we forget about it and we move on. But Chaya used to be a homemaker. She's raised two beautiful daughters. Then she decided to enroll, take on her passion. She enrolled in a design school where her lecturers were younger to her, but she still went there. She learned. She worked under other designers and then she started her own label. So I think this whole, her story itself is so inspiring to me. Thank you. And I'm just glad to know her and I'm glad to be here. And I'm so happy that today in Juhu, such a prime location, we have a Chaya Gandhi outlet. Also, ma'am, आपसे जानना चाहूँगा, रतन जो स्टाइलिस्ट तो है, तो इनके लिए जो आपने क्लोथ भेजे थे उनके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से डिज़ाइन किए थे, और अगर थोड़ा सा रतन के लिए अगर कुछ डिज़ाइन करना है ना, आई हैव टू थिंक अ लॉट, क्योंकि ही इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक इन मेनी वेज, अ लिटल ऑर्थोडॉक्स ऑल्सो आई वुड से, बट आई ट्राई टू डिज़ाइन समथिंग दैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स फॉर हिम, यू नो, एंड देन फोर्स हिम टू वेयर व्हेदर ही लाइक्स इट और नॉट। नो, बट आई ऑलवेज लाइक इट, आई ऑलवेज लाइक इट एंड आई ऑलवेज वेयर इट। एंड क्या यूएसपी है रतन यहाँ की, अगर आप बात करें कुछ शेयर करना चाहें उसके बारे में? USP about Chaya's clothes, yes. They are very different. I mean, anytime you see her design, you will understand. Like I said, for me, the word that I associate to her is earthy and warm.
all her collections are like that, and the fabrics that she plays with, they are also very I mean, it'll be linens or it'll be like these really light fabrics which everybody can wear. So for me, whenever I see it, two words for me, earthy and warm. Wow. And summer is around the corner. What tips would you like to share with your fans and the audience watching? Tips for summer. I mean fashion is so subjective. Everybody, मेरी टिप्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपको जो कपड़े पसंद आएंगे शायद मुझे ना आए, और मुझे जो आएंगे शायद आपको ना आए. सो इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग, बट या सिंस इट्स समर, कीप इट लाइट. अब ये मैं जैकेट पहन के बोल रहा हूँ, बट जस्ट कीप इट लाइट एंड या यू अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल टेस्ट, वॉट यू यू शुड वेयर वॉट यू लाइक. I think for summers, we can go for nice breezy trousers, dresses of course, and trousers also have so many different styles. You have drop crotch pants like what I'm wearing, you have kabuki pants, the tie-ups, the straight pants. Just don't restrict yourself to denims all the time in summers, and it's not necessary to be wearing really slim fit clothes and feel that is stylish. No. You need to be nice and breezy and comfortable, and that's what this whole collection is about. Thank you so much, and all the best.